नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्ट्रेटजी के ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बिजली या फिर दोस्तों विद्युत ताप संयंत्र परियोजनाएं केंद्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते रहते हैं। दोस्तों सारे कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, हम इसमें थोड़ी ट्रिक लगाएंगे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, लंबे समय तक याद रहे, वरना भूल जाते हैं अगर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे आप जानते हैं यूपी के एग्जाम आने वाले दोस्तों, लेखपाल बीडीओ और कांस्टेबल का भी हो सकता है अगर आएगी वैकेंसी, या फिर दोस्तों आपका स्वास्थ्य, यहाँ से तमाम आते हैं। ठीक है, एनएम वगैरह का है एग्जाम, तो यहाँ दोस्तों एग्जाम में आने के चांस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ दोस्तों? मुरादाबाद में। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मुरादाबाद में, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ शब्द था चंदौसी यानी दास, थोड़ा सा चंदौसी दासी, दासी के सेंस दे रहा, दास दासी का, और जो कि यहाँ से हमारे भारत में दास दासी की प्रथा भाई चली गई, अर्थात मुरादाबाद है। ओके, इस तरह याद कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, दौसी यानी दास दास प्रथा बिल्कुल से चली गई, अर्थात मुरादाबाद बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुरादाबाद मुरादाबाद। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों याद आ जाएगा। देखिए ओबरा ताप विद्युत, कभी कभी ट्रिक नहीं काम करते दोस्तों, क्योंकि काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप समझ चुके होंगे। ओबरा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों सोनभद्र में है। ठीक है, यहाँ से ओबरा या फिर ओबरा जल विद्युत केंद्र ये भी आ जाता है, जो कि रिहन नदी पर है। ठीक है, देखिए याद रखेंगे इसे, ओबरा बरा भाई, क्या बरा क्या नहीं बरा, यहाँ दोस्तों आपको सोनभद्र याद करना होगा। सोना, जो सोना होता है ना गोल्ड, वो भाई उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोई चीज होगी वो जल भर जाएगा, मतलब ओबरा बरा, क्या नहीं भरा भाई, सोना नहीं भरा। आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन में आप कर देंगे, हाँ क्या नहीं भरा, सोना भाई नहीं भरा। ओके, यानी कि इसका वैसे को वैसे ऐसे लोहे या कुछ चीज है, उसका कलर में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन भाई इसमें नहीं होगा, ये नहीं भरेगा। ओके, यहाँ से सिंपल तरीके से याद आ जाएगा, ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, रोजा और करछना ताप विद्युत केंद्र जो की है ये दोस्तों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ओके, करछना तहसील, प्रयागराज की करछना तहसील और रोजा दोस्तों दो हैं, रोजा और करछना अलग अलग है जो कि प्रयागराज में। ओके, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों बोलते हैं रोज करछना, रोज छनाना पड़ेगा तभी लोग क्या प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं, अगर रोज छनाओगे किसी को तो तभी प्रयोग उसका उपयोग कर सकते हो। प्रयोग प्रयागराज, प्रयोग जब प्रयोग करना है तो किसी को भाई रोज छनाओ, बोलते हैं ना रोज छनाओगे तभी मैं काम करूंगा, तो प्रयोग तभी आप करेंगे जब रोज छनाएंगे। गुण लिखित होगी दोस्तों, याद हो चुका होगा। अब देखिए अगला क्या, नेशनल कैपिटल या फिर दोस्तों इसको दादरी परियोजना भी बोल दिया जाता है, कहाँ दोस्तों? ये गौतम बुद्ध नगर में, याद रखें कैसे, वैसे आप दादरी से याद कर लेंगे दोस्तों, दादरी बोलते हैं दादा, दादरी दादा, दादा से देता है, और दादा कौन होते हैं भाई, वृद्ध होते हैं। ठीक है, बुद्ध वृद्ध, बुद्ध यानी बुढ़े, अर्थात वृद्ध, वृद्ध को हम क्या बोलते हैं, दादा बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, याद रहेगा। अब दोस्तों और कैपिटल भी उन्हीं की होती है, कैपिटल से याद करना चाहे नेशनल कैपिटल, इन कैपिटल अगर पूंजी समझे कैपिटल को, तो दोस्तों उन्हीं के पास होती है। किसी कैपिटल होती है भाई, दादा लोगों की होती, वृद्ध लोगों की होती, यहाँ से आपको याद आ जाएगा, दादरी और बुद्ध वृद्ध। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला है, फिरोज गांधी या फिर ऊंचा हार इसको बोल देते हैं, ऊंचा हार विद्युत परियोजना, ये रायबरेली में है, आपने जानते होंगे दोस्तों, याद रखें कैसे, देखिए ऊंचा हार आता है या, और राय बरेली भाई, राय अगर लेना है उसी से लो जिसके ऊंचे उच्च विचार हो, ऊंचे विचार हो उसी से राय हमेशा लो भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, तभी वो सही गाइडेंस आपको देगा, यदि उसके उच्च विचार है उसी से राय लो। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको याद है, राय लेना है तो भाई उच्च विचार वाले से लो ना। ठीक है, तो तभी तो कुछ अच्छा बताएगा। ओके, सिंपल है दोस्तों, याद हो चुका होगा, बिल्कुल से रियल लाइफ से लिंक होते हुए चला जाता है। ओके, तो देखिए सिंगरौली याद है दोस्तों, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए टांडा ताप विद्युत केंद्र महत्वपूर्ण है दोस्तों, अम्बेडकर नगर में है। टांडा याद रखें कैसे, टांडा टांड बोलते डंडा, टांडा डंडा भाई, आजकल डंडा से मत लड़ो, लड़ना है तो क्या शिक्षक से लड़ो, जैसे अम्बेडकर जी शिक्षा से लड़े दोस्तों, इनको जानते कहाँ से थे बताने डिटेल में दोस्तों जरूरत नहीं है, और उन्होंने क्या संविधान पूरा लिख दिया और शिक्षा से जीता। ठीक है, शिक्षा, तो यहाँ से दोस्तों आपको याद आ जाएगा, शिक्षा, शिक्षा से डंडा वंडा से आजकल मत लड़ो, शिक्षा से लड़ो। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। और बोलते हैं ना शिक्षा वो सैनिक का दूध, जिसने पीछा है वो दहाड़ा है। ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर जी भाई डंडा किसी से नहीं लड़े, वो हमेशा शिक्षा से लड़े। ओके,
अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, शारदा जल विद्युत परियोजना बनवासा था पीलीभीत में दोस्तों, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ बोलते हैं ना शारदा, शारदा मैया भी शारदा, किसी का शारदा नाम होगा वो भाई पीली साड़ी पहन के बहुत ही जबरदस्त लग रही थी, इस तरह आपको बहुत ही प्यारी लग रही थी। ओके सिंपल तरीके से याद आ जाएगी शारदा, जो कि आप समझ सकते हो कोई भी, तो वो भाई पीली पीलीभीत पीली साड़ी पहन के आई, और दोस्तों सेंस भी नहीं मिलेगा कहीं पर, यानी कि बिल्कुल से जो मैच हो जाए, तो यहाँ से आपको मैच हो जाए शारदा नाम की कोई भी समझ लीजिए, वो भाई पीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है अब दोस्तों अगला क्या है, यानी कि बिल्कुल बनवास बिल्कुल बन कर जब आई ना पीलीभीत पीली साड़ी पहन के, भाई बहुत ही कौन शारदा। ओके और शारदा मैया भी आप समझ सकते हैं, ठीक कोई भी दिक्कत नहीं। रिहंद जल विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र में है, सबको पता हो दोस्तों रिहंद, क्योंकि रिहंद परियोजना इस तरह हम परियोजना भी याद आपको करवाए थे, जो डैम वो भी सोनभद्र में दोस्तों, याद को है रिहंद सोनभद्र। ओके तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा पिपरी। अब दोस्तों अगला क्या, माता टीला विद्युत ग्रह ये बेतवा नदी में है दोस्तों, जो कि झांसी के निकट पड़ता है। ओके माता टीला याद होगा दोस्तों, माता टीला बेतवा नदी पर, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब दोस्तों अगला क्या है, शीतला जल विद्युत परियोजना मोट, जो कि झांसी में ये भी है, मोट एक वहां पड़ता है जगह स्थान वहां पर झांसी में, तो वहां पर दोस्तों ये शीतला जल विद्युत परियोजना है। वैसे आप इसको याद करें तो कर सकते हैं, बहुत शीतला शीत, जब शीत होता है ना शीत ऋतु, जैसे अभी चल रहा है तो हमारे मुंह से कितना झाग मतलब भाप निकलता है, इस तरह याद, झाग झांसी झाग निकलता है, भाप निकलता है, कब, शीतला शीत ऋतु में, जैसे अभी चल भी रहा है। ओके तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि शीतला शीत ऋतु, भाई झांग निकलता है झांग से, आपको झांसी याद आ जाएगा। परीक्षा डैम, यानी कि दोस्तों परीक्षा डैम जो कि बेतवा नदी पर है, ठीक है यहाँ से आपको याद आ जाएगा परीक्षा जल विद्युत परियोजना, बहुत सिंपल होती है झांसी में। ओके अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, खारा, खारा जल विद्युत केंद्र ये आसन नदी पर है, जो कि सहारनपुर में, इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों हर कोई खारा खोटा सुनाता रहता है, खारा खोटा, लेकिन भाई सहारा की बात आती है तो कोई नहीं देता, ठीक है, आसन आश्रय आश्रय या फिर सहारा की बात आती है तो कोई नहीं देता, लेकिन खारा खोटा सब कोई सुनाता है। यहाँ से आपको याद हुआ, खारा आता है खारा खोटा सब कोई सुनाता है, लेकिन जब भी आश्रय या फिर सहारा की बात आती है कोई नहीं देता, ठीक है, सब पीछे हो जाता, आश्रय आसन और सहारन सहारा, सिंपल है याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पड़ता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, या फिर दोस्तों नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र इसको बोलते हैं, जो कि बुलंदशहर में, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, और सर्वप्रथम भी लगता है दोस्तों किसके दोस्तों, और ये तो आपको याद हो गया जो नरौरा में दोस्तों है, हम नरौरा कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन बना एक बार, जो कि बुलंदशहर में कई बार बना है दोस्तों, कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ, उत्तर प्रदेश में ये, और दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में नरौरा में, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, इस तरह क्वेश्चन बनते रहते हैं, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, यहाँ से अगला पॉइंट, जो कि भारत में परमाणु शक्ति के शक्ति जो कि जनक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, और भाभा नाम से दोस्तों आप जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहाँ, ट्रॉम्बे में है। ओके तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों ये क्या है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति कब प्रारंभ हुई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि 2013 में ये चालू होती है सौर ऊर्जा नीति। यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं दोस्तों, याद आया सौर ऊर्जा से, कि भारत का प्रथम गांव कौन सा जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया, ठीक है, यानी सर्वप्रथम यानी प्रथम ऐसा गांव बताइए भारत को जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, तो दोस्तों वो कौन है, रामपुर का, जो कि उत्तर प्रदेश का ही गांव है रामपुर, वो दोस्तों क्या है कि सौर ऊर्जा प्लांट सर्वप्रथम किसने लगाया, कौन से गांव ने, रामपुर गांव ने भारत में। ओके तो दोस्तों यहाँ से आपको रामपुर को याद करना होगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ये बन सकता है ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाया, ठीक है, प्रथम बार सौर ऊर्जा प्लांट। ओके दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नहीं साहब स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, आपको यहाँ से रिवीजन करने पर काम आता रहेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे, यदि दोस्तों आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।